हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये अपडेट से रिलेटेड रहेगी। जैसे अगर आपको किसी ऐप को अपडेट करना है अपने टीवी में, तो उस स्मार्ट टीवी में, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि ये जो ऐप स्टोर है इसमें तो ऐप दिखाता है आपकी टीवी में, जो भी जितनी भी ऐप है उन सबको दिखाता है। और ज़्यादातर ये क्या फिक्स रहती हैं, इसमें इतनी ऐप हैं आप, और इसमें ज़्यादा कोई इंस्टॉल नहीं कर सकते ऐप, लिमिटेड ऐप ही रहती हैं इस वाली में, विजडम शेयर स्मार्ट टीवी में। और जो आपने ऐप इंस्टॉल की हुई रहती हैं वो सारी ऐप आती हैं ये जो ऐप वाला ऑप्शन है ग्रीन कलर का, उसमें। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारी इंस्टॉल ऐप दिखा देगा। और अगर जैसे हम इंफॉर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने मेन्यू वाली बटन क्लिक की, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखा रहा है, या तो अनइंस्टॉल या फिर प्ले स्टॉप। तो इसमें अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो आपको क्या है इस ऐप को ना अनइंस्टॉल कर देना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद इसे क्या फिर से इंस्टॉल करना, जब आप फिर से इंस्टॉल करोगे तो इसका अपडेटेड वर्जन ही इंस्टॉल होगा। जैसे अभी दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब को अनइंस्टॉल कर दिया था, मैं फिर से इसे इंस्टॉल करूँगा। अभी YouTube को फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, तो दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो होता है कि जो बेस्ट वर्ज़न होता है उसका, अपडेटेड वर्ज़न होता है ज़्यादातर, वो इंस्टॉल होता है। अगर आपके टीवी में कोई सीधा अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि उसे इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो, यही बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। अभी ये इंस्टॉलिंग दिखा रहा है यहाँ पे 100% डाउनलोड होने के बाद, और ये इंस्टॉल्ड हो गया है। तो इसमें ओपन का ऑप्शन आ गया, अभी जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये अच्छे खासे से मतलब चलेगा। अगर आपकी किसी भी ऐप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यही कहूँगा यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।